नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे तीसरे थिंकर हैं निकोलो मैकियावेली। इससे पहले हमने प्लेटो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और साथ ही साथ एरिस्टोटल को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और उनके लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं। तो निकोलो मैकियावेली का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख कर आए, तब आपको लेक्चर नंबर 2 की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। उसमें मैंने निकोलो मैकियावेली का बैकग्राउंड दिया था कि निकोलो मैकियावेली अगर ऐसा पॉलिटिकल थॉट रखते हैं तो उनकी आसपास की परिस्थितियां ऐसी थी जिसके वजह से इनका थॉट इस प्रकार से माउल्ड हुआ है, इस प्रकार का विचार वह देते हैं। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन नेचर पर उनका क्या दृष्टिकोण है, व्यू है। आज हम ये देखेंगे कि मैकियावेली के अनुसार प्रिंस में क्या क्या गुण होने चाहिए और साथ ही साथ मैकियावेली अपने प्रिंस को क्या एडवाइस देते हैं जिससे जो प्रिंस है वह अपने रूल को एस्टैब्लिश कर सके, सस्टेन कर सके और उसको लॉन्ग टर्म तक चला सके। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये स्कीम है, जैसे लेक्चर आने वाली है तो आज हम अपने दूसरे पड़ाव पर हैं और तीसरा चौथा लेक्चर भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैकियावेली के अनुसार प्रिंस में फॉक्स और लायन दोनों के गुण होने चाहिए, अर्थात एक लोमड़ी और एक शेर दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि जो द प्रिंस नाम का बुक लिखा है जो कि एस्टेट क्राफ्ट का बेस्ट बुक है मैकियावेली के द्वारा, उसमें वह एडवाइस करते हैं कि किंग को इसलिए या प्रिंस को इसलिए फॉक्स की तरह क्लेवर होना चाहिए क्योंकि जब पॉलिटिक्स में प्रिंस होंगे तो उनके बहुत सारे कंटेंडर्स होंगे, उनके बहुत सारे प्रतिद्वंदी होंगे और वे प्रतिद्वंदी जो होंगे वह साथ में मिलकर हो सकता है कि प्रिंस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी अर्थात एक षड्यंत्र रचे। तो प्रिंस के पास जब क्लेवरनेस होगा, फॉक्स जैसा बुद्धि होगी, रीजन होगा, तब उस थ्रेट को या उस कॉन्स्पिरेसी को जो प्रिंस है वह आसानी से समझ पाएंगे। और लायन जैसा उनके पास शक्ति होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ब्रेवनेस होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि जब उनको एक बार थ्रेट का पता चल जाए कि अच्छा ये कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ रची गई है तो उस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ वह डिफेंड भी अपने आप को कर सके, अपने आप को मजबूती से चुनौती के साथ खड़े होकर वो जो षड्यंत्र है उसको हरा सके, उसको हटा सके। तो इसीलिए प्रिंस के पास फॉक्स और लायन दोनों के गुण होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। और इवन आप अगर ये चीज प्लेटो के भी थॉट में ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ फॉक्स किसका सिंबल है, यहाँ फॉक्स रीजन का सिंबल है और यहाँ लायन किसका सिंबल है, करेज का सिंबल है। आप इनफैक्ट याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्लेटो जब 3 क्लासेस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट क्लास होता है जिसको फिलोसोफर या रूलिंग क्लास कहते हैं और दूसरा जो सोल्जर या वॉरियर क्लास होता है, दोनों मिलाकर गार्डियन क्लास होते हैं। तो इनफैक्ट प्लेटो भी कहते हैं कि भाई गार्डियन क्लास में 2 सबसे अहम गुण होने चाहिए, रीजन और करेज होना चाहिए। अर्थात जो रूलिंग क्लास है, फिलोसोफर किंग है, उसके पास रीजन होना चाहिए और सोल्जर के पास जो है करेज होना चाहिए। तो इनफैक्ट मैकियावेली भी उसी बात को कहते हैं कि जो एक रूलर होगा उसके पास ये दोनों गुण जरूर होने चाहिए, अर्थात रीजन और करेज जरूर होना चाहिए। और इनफैक्ट मैकियावेली बहुत ज्यादा रियलिस्ट है और इसीलिए वह कहते हैं कि इंटेलिजेंस और करेज प्रिंस के पास होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये जो गुण है रीजन और करेज, आज भी ये दोनों गुण काफी ज्यादा रिलीवेंट है, आज भी ये दोनों गुण काफी ज्यादा प्रासंगिक है। रीजन आप इंटेलिजेंस से भी उसको इक्वेट कर सकते हैं। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि बिना इंटेलिजेंस और बिना डिफेंस फोर्सेस के काम कर रही है। हर एक राज्य में इंटेलिजेंस होता है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है, जैसे पाकिस्तान में ISIS है, जैसे हमारे यहाँ IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और हमारे यहाँ तमाम बहुत तरह के डिफेंस फोर्सेस हैं, ITBP है, BSF है, आर्मी है, सशस्त्र सीमा बल है।
तो डिफेंस और इंटेलिजेंस ये पार्ट एंड पार्सल है किसी भी स्टेट के। इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस में दो गुण तो होने ही चाहिए, रीजन और करेज। इन अदर वर्ड्स प्रिंस शुड हैव द ट्रेट्स ऑफ फॉक्स एज वेल एज द ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लायन। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि मैकियावेली जो है वह अपने प्रिंस को क्या क्या एडवाइस देते हैं, क्या क्या राय देते हैं जिससे उनका जो प्रिंस है वह अपने किंगडम को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सके, उसको सस्टेन कर सके और उसको लॉन्ग टर्म तक जो है उसको रन कर सके। तो सबसे पहला एडवाइस मैकियावेली देते हैं कि प्रिंस को कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए। कोल्ड ब्लडेड मैन का यहाँ पे मतलब है कि प्रिंस को जोश में, उत्साह में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। प्रिंस जो है वह पैशन के साथ कभी भी एक्ट ना करें। प्रिंस का जो एक्शन है वह एक कैलकुलेशन पे बेस्ड होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए। प्रिंस के लिए ये कदापि अच्छा नहीं है कि वह जोश में, उत्साह में, हर्ष में आकर वह कोई फैसले ले लें, पैशन के साथ काम करें। इसीलिए प्रिंस को कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए, सबसे पहला एडवाइस ये मैकियावेली देते हैं। दूसरा एडवाइस मैकियावेली का है कि प्रिंस को अपने पावर को टैक्टिकली यूज करना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए। ठीक है, अब मैकियावेली कहते हैं कि पावर के दो डायमेंशंस होते हैं, पावर के, शक्ति के दो अलग अलग आयाम होते हैं। सबसे पहला फोर्स और दूसरा लव। फोर्स भी एक तरह का पावर है और लव भी एक तरह का पावर है। लव को आप इनफैक्ट आज के सॉफ्ट पावर से कंपेयर कर सकते हैं और फोर्स को आप आज के हार्ड पावर से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि जोसेफ नाइट सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर और स्मार्ट पावर का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने उस पर भी लेक्चर बनाया है, अगर आप भूलिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो फोर्स जो है वह बार बार यूज करने का चीज नहीं है। मैकियावेली बताते हैं कि प्रिंस को बार बार फोर्स यूज नहीं करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद ही फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि फोर्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे संसाधन लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस खर्च होते हैं, इसीलिए फोर्स का इस्तेमाल बार बार करना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अगर प्रिंस एक बार डिसाइड कर ले कि फोर्स का इस्तेमाल करना है एज अ पावर, तो प्रिंस को फिर फोर्स का इस्तेमाल कंप्लीटली करना चाहिए अपने एनिमी को क्रश करने के लिए। एनिमी को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। जब फोर्स का इस्तेमाल करे तो बढ़िया से फोर्स का इस्तेमाल करो और उसको जिंदा मत छोड़ो, उसको मार ही डालो। क्योंकि मैकियावेली का मानना है कि जो रिवेंज है ये सबसे पावरफुल सेंटीमेंट होता है, ये सबसे शक्तिशाली सेंटीमेंट होता है। बदला लेने की जो भावना होती है यह काफी प्रबल होती है, काफी शक्तिशाली होती है। अगर आप किसी को अगर फोर्स का इस्तेमाल किसी पे करें और उसको अगर छोड़ दें तो बाद में वह आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा और आपको डैमेज पहुंचा सकता है, यही मैकियावेली कहते हैं। और दूसरा जो डायमेंशन है पावर का, दैट इज लव। आज आप लव को सॉफ्ट पावर से इक्वेट कर सकते हैं और ये प्रिंस के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। प्रिंस को सबसे पहले प्रेम का सहारा, प्यार का सहारा लेकर अपना काम करवा लेना चाहिए लोगों से, ठीक है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वे सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एडवाइस किया कि जो प्रिंस है उनको अपना ओन आर्मी रखना चाहिए, अपने नेशनल्स का आर्मी रखना चाहिए। पहले क्या था ना, मर्सिनरी सोल्जर्स का ट्रेंड था, मतलब वे परमानेंट सोल्जर्स नहीं हुआ करते थे, वे भाड़े के सोल्जर्स हुआ करते थे, वे खेती करने वाले लोग हुआ करते थे, मजदूर या और तमाम कई पैसों के लोग हुआ करते थे। जब युद्ध होता था तो उनको पैसे देकर बुला लिया जाता था कि चलो भाई मेरे तरफ से थोड़ा चल के लड़ो, तो इसे मर्सिनरी सोल्जर्स कहा जाता था, परमानेंट सोल्जर्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन सबसे पहली बार मैकियावेली ने ये बात कहा कि भाई प्रिंस की अपनी आर्मी होनी चाहिए और अपनी राष्ट्रीय, माने राष्ट्रीयता वाली आर्मी होनी चाहिए कि उसमें आपके नागरिक रहें, वे आर्मी में, वे आपकी सेना में सेवा दें। क्योंकि जब आपके नागरिक आर्मी में अपनी सेवा देंगे तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी, वह आपके लिए दिल से, हृदय से लड़ाई करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा युद्ध जीत पाएंगे,
वरना मर्सिनरी सोल्जर होगा तो भाई वो तो भाड़े का सोल्जर है, वो आपके लिए कभी भी खून उतना नहीं बहाएगा जितना एक नेशनल, अगर आर्मी में अगर आपके नेशनल्स होंगे वो जितना बहादुरी से लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और यही जो ट्रेंड चला अपने नेशनल्स को भर्ती करने का आर्मी में, यहीं से नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ, इसीलिए मैकियावेली को फादर ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो कि वो एक प्रिंस को देते हैं कि भाई अपनी नेशनल्स की आर्मी बनाओ, मर्सिनरी सोल्जर्स का जो प्रैक्टिस है इसको एबंडन कर दो, इसको बंद कर दो। उसके बाद मैकियावेली प्रिंस को सजेस्ट करते हैं कि भाई हमेशा कॉमन मैन को प्रेफरेंस दो, अगर नोवेल्स हैं, अगर अभिजात वर्ग है और अगर कॉमन मैन है तो आपको किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो प्रेफरेंस देना चाहिए हमेशा कॉमन मैन को, क्योंकि कॉमन मैन लोग जो है सो ज्यादा जो है वफादार होंगे प्रिंस के, ज्यादा लॉयल होंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, एस्पिरेशंस नहीं है, और एस्पिरेशंस हैं भी तो लिमिटेड है। लेकिन नॉवेल्स जो है उनकी जो एस्पिरेशंस है अभिजात वर्ग की, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वह बहुत बड़ी है। हो सकता है कि बाद में वह षड्यंत्र करके जो कुर्सी है प्रिंस का उसको पाने की कोशिश करें। इसीलिए हमेशा मैकियावेली सजेस्ट करते हैं कि जो कॉमन मैन है उनको प्रेफरेंस देना चाहिए ओवर द नॉवेल्स। ओके, उसके बाद मैकियावेली कहते हैं कि भाई एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करो, अर्थात विस्तारवादी जो विदेश नीति है उसको फॉलो करने के समर्थन में है। मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को तो विस्तारवादी जो विदेश नीति है उसको फॉलो करना चाहिए, प्रिंस को लैंड एक्वायर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर मान लो प्रिंस का कल्चर ए है और उसने जो लैंड एक्वायर किया, मान लो ये इसका भी कल्चर ये है, तो प्रिंस इस ए नाम के लैंड को जहाँ का कल्चर ए है इस लैंड को भी डायरेक्टली रूल करे, मतलब डायरेक्टली अपना शासन यहाँ चलाए। लेकिन मान लो प्रिंस का कल्चर है ए और यहाँ पे बी या सी कल्चर के लोग रहते हैं, तो प्रिंस को फिर डायरेक्टली इस लैंड के पार्ट को रूल नहीं करना चाहिए। फिर प्रिंस को क्या करना चाहिए, फिर प्रिंस को वहीं के कल्चर के किसी एक व्यक्ति को जो है अपना पपेट बना देना चाहिए और उसी को यहाँ बिठा देना चाहिए कि तुम रूल करो। इसी प्रकार से अंग्रेज हमारे यहाँ किया करते थे। आप याद कीजिए, अंग्रेज जब जीता करते थे, जब उसने हैदराबाद को जीता अंग्रेजों ने, तब अपने उन्होंने अपना डायरेक्ट रूल डायरेक्टली एट द मोमेंट नहीं एस्टैब्लिश किया, उन्होंने क्या किया तो उन्होंने यहीं के जो वाडियार डायनेस्टी जो था वहीं का एक राजा को जो है नियुक्त कर दिया, मराठा के साथ ऐसे किया, भोसले डायनेस्टी के एक रूलर को इसी तरह से नियुक्त कर दिया। फिर उसके बाद बंगाल को जब प्लासी के बैटल में जीता तो उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद खुद रूल नहीं किए क्योंकि कल्चर अलग था। तो मैकियावेली को तो भाई पूरे दिल से फॉलो करते थे ब्रिटिश लोग, तो समझ रहे हैं बात को। तो यही चीज है कि अगर सेम कल्चर है उस लैंड का जिसे प्रिंस ने जीता तो उसको डायरेक्टली रूल करे, या तो फिर एक एजेंट के द्वारा रूल कराए जिसका वही कल्चर हो जो कि एक्वायर्ड टेरिटरी का कल्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मेरा फेवरेट अगला वाला पॉइंट जो मैकियावेली एडवाइस करते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस को नॉन फेटलिस्टिक होना चाहिए। नॉन फेटलिस्टिक का मतलब ना, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ये तो भाग्य में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, तो ये चीज मैकियावेली बोलते हैं ऐसा नहीं है। इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, वे फेटलिस्टिक नहीं है कि जो लिखा है हो के रहेगा, ये बात नहीं वे करते। वे कहते हैं कि नहीं, अपना भाग्य खुद बनाना है और अपना भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है, इसीलिए नॉन फेटलिस्टिक प्रिंस को रहना चाहिए। प्रिंस को जो है हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, सब भाग्य पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो नियति में होगी वही होगा, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं तो भाई इसी चीज को सपोर्ट करता हूँ और मैं ऐसा करता भी हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा एक और फेवरेट, लेकिन प्रिंस कहते हैं, सॉरी मैकियावेली कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कितना भी प्रिंस मेहनत करे, कितना भी कोशिश करे, लेकिन कभी कभी चीजें उसके तरफ नहीं जाती, कभी कभी बैड लक हो जाता है। और बैड लक ऐसा होता है कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। इस सिचुएशन में प्रिंस को
देखिए मैकियावेली है वैसे पैसिमिस्ट, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ उन्होंने ऑप्टिमिज्म का बात किया। वैसे है वे निराशावादी, लेकिन यहाँ वह ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, आशावादी अपना विचार दिखा रहे हैं। नॉन फेटलिस्टिक हो आप, आपने बहुत कोशिश किया कि मुझे ये चीज पाना है। एग्जाम्पल के तौर पर आईआईटी की अगर किसी ने तैयारी की, बहुत कोशिश किया, वे नॉन फेटलिस्टिक नहीं था कि अरे जो होगा देखा जाएगा, उसने तैयारी किया, कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया उसका, तो उसके लिए मैकियावेली कहते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कभी बैड लक हो जाता है, किस्मत साथ नहीं दिया होगा, और वे बैड लक आपके कंट्रोल में कभी कभी नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में जो है अपने हार्ट को लूज नहीं करना चाहिए, दिल से हार नहीं मानना चाहिए और वापस से बाउंस बैक करना चाहिए। और मैकियावेली कहते हैं कि जो बैड लक होता है या मिसफॉर्च्यून होता है, जो आपके साथ बैड लक हुआ या मिसफॉर्च्यून हुआ, वह टॉरेंशियल रेन की तरह होता है, बहुत एकदम विशाल बारिश के जैसा होता है जिसे बाढ़ आ जाए, रोरिंग रिवर के तरह होता है, जो रिवर एकदम साउंड करते हुए रिवर जो आगे बढ़ती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है बैड लक जो होता है, ये पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। लेकिन मेरे भाई बैड लक से घबराना नहीं चाहिए और उसके लिए हमेशा प्रिपरेशन करके रखना चाहिए कि अगर बैड लक आए तो हमारे पास प्लान बी हो, ठीक है। और सबसे फेवरेट बात मैकियावेली की जो मुझे अच्छी लगती है, मैकियावेली कहते हैं कि देखो जो एक महिला होती है वह हमेशा एक ब्रेव मैन से प्यार करती है, उसको इम्ब्रेस करती है, उसको ग्रहण करती है। हमेशा एक औरत जो होगी वह हमेशा किसी से प्रेम करेगी तो वह कोई ब्रेव मैन होगा, कोई कमजोर से प्रेम नहीं करेगी। तो ये जो बैड लक होता है ना भाई, ये उसी महिला की तरह होता है, औरत की तरह होता है। कंपेयर कर रहे हैं बैड लक और मिसफॉर्च्यून को कि दिस बैड लक इज लाइक द वुमेन, लाइक द गर्ल, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ब्रेव होते हैं ना, उन्हीं को बैड लक इम्ब्रेस करता है। तो आपको खुश होना चाहिए दैट यू आर ब्रेव, इसीलिए बैड लक आपके ऊपर आया, वरना जो कमजोर होते हैं उनका तो खैर बैड लक भी उनके ऊपर नहीं आता। तो ये मैकियावेली बहुत अच्छा बात, मतलब दिल को छू लेता है मेरे भाई ये बात, और हमेशा ये बात ध्यान में रखना और कभी अपने हार्ट को लूज मत करना, क्योंकि जो एक खूबसूरत महिला होती है हमेशा एक बलवान पुरुष को ही ग्रहण करती है, उसी तरह बैड लक जो है वो हमेशा बलवान पुरुष को ही ग्रहण करता है, कमजोरों पर बैड लक भी नहीं आता। उसके बाद मोरालिटी की बात करते हैं, तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने मोरालिटी लिख दिया, सॉरी, यहाँ मोरालिटी होगा, मोरालिटी या एथिक्स, दोनों में से कोई भी टर्म आए बात बराबर ही है, एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं हम लोग मैकियावेली के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहते हैं कि प्रिंस को जो है ऑर्डिनरी मोरालिटी फॉलो नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी मोरालिटी क्या होता है, तो सच बोलना, ऑनेस्टी होता है ऑर्डिनरी मोरालिटी, फिर उसके बाद सबको रिस्पेक्ट करना, सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, इक्वालिटी, ये सब ऑर्डिनरी मोरालिटी की चीजें हैं। लेकिन प्रिंस को ऑर्डिनरी मोरालिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स का अपना मोरालिटी होता है, वे ड्यूअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, दो मोरालिटी होता है, एक पब्लिक मोरालिटी होता है, एक पर्सनल मोरालिटी होता है, एक मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स होता है, एक पर्सनल मोरालिटी होता है। तो पॉलिटिक्स का अपना मोरालिटी है और पॉलिटिक्स का मोरालिटी है नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट, अगर राष्ट्रीय हित के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही होगा, क्योंकि मैकियावेली के जो अनुसार है वो क्या है, एंड जस्टिफाई द मींस। अगर जो लक्ष्य है अगर वो आप हासिल कर लेते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस लक्ष्य को आपने कैसे हासिल किया, सच बोलकर, झूठ बोलकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। और रियलिस्ट भी यही बात करते हैं। सो द मैकियावेली वाज द फोर फादर ऑफ द रियलिज्म, ओके, सो द मैकियावेली वाज द रियलिस्ट वन। तो मैकियावेली फर्स्ट पर्सन है जो ये भी कहते हैं कि मोरालिटी और पॉलिटिक्स को तो सेपरेट करना ही चाहिए, साथ ही साथ रिलीजन और पॉलिटिक्स इसको भी सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वे प्रिंस को एडवाइस करते हैं कि भैया तुम धर्म को मानो मत मानो कोई मतलब नहीं है, पब्लिक डोमेन में अर्थात जनता के बीच में तुमको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम धार्मिक हो। जैसे हमारे बहुत सारे नेता लोग जो अपने आप को विराट हिंदू कहते हैं, वे लोग धार्मिक नहीं है, लेकिन जनता के सामने जनेऊ जरूर करेंगे, उसके बाद पूजा जरूर करेंगे,
आप समझ सकते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो सब मैकियाविलियन है, जैसे डनिंग ने कहा था, एवरीवन फॉलोज मैकियाविली इन पॉलिटिक्स बट नन ऑफ देम एक्नॉलेजेस दैट दे आर मैकियाविलियन। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, सो गो एंड सी दैट वीडियो। ओके, तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक जरूर दें चैनल को, और साथ ही साथ फॉलो करते रहे मुझे। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से। मेरा नंबर है 7061064881। भाई पेंटैब लेना है यार, कम से कम मदद कर दो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।